लियो और दोनों को लेकर अगर हमने जोर जबरदस्ती रोकने की करी कि सर इनकी पता बताओ इनकी क्या कसूर है, तो उन्हें हमारे कपड़े फाड़े थे और फिर मेरी एक बेटी उसके भी मारा था और मेरी इस आँख में देखो कितनी लाली खून निकलने लगी थी, ऐसे तमाचा मारा, एक लठिया मारी यहाँ एक यहाँ मारी थी कोख में, और मारने के बाद भी तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे आतंकवादी हों पुलिस वाले हों मैं ही ना जा रही हूँ। भी मेरा बेटा है वो भी बिल्कुल निर्दोष है, उसको कोई कमी नहीं है, जो बार बार उसको मुर्जिम ठहराया जा रहा है, क्यों ठहराया जा रहा है ये बता दो। अरे उसके अगले महीना पेपर भी है, कौन से पेपर से? यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था मेरे बेटा। नहीं, पुलिस केवल जेल पुलिस नहीं, हमारे साथ बदतमीजी करी, मेरी चाची के कपड़े फाड़े हैं, उन्हें मार लगाई है, उन्होंने कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं। योगेश तो कहीं किसी की बहन बेटी के साथ गलत होता भी नहीं दे सकता, वो तो सबकी रक्षा करता है, यदि कहीं गाय कट रही है तो उनकी भी रक्षा करता, क्या गौ माता नहीं होती, वैसे कहते हैं गौ माता है, वैसे योगी जी भी ये कहते हैं गौ माता है, गौ माताओं को बचाओ, किस तरीके से बचाया जाए गौ माताओं को और बेटियों को किस तरीके से बचाया जाए, वैसे कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी कहाँ से बच जाएंगी, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो बेटी बच जाएंगी। बुलंदशहर बवाल के मोस्ट वांटेड योगेश राज को पुलिस अभी तक भी पकड़ नहीं पाई है, जबकि सोशल मीडिया का सहारा लेकर योगेश राज खुद को बचाने में लगा हुआ है, तो वहीं अब उसके परिजन भी पूरी तरह से अपने बेटे का बचाव करते देखे जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ सोशल मीडिया का सहारा लेकर योगेश राज अपनी बात रख रहा है, तो आखिर यूपी पुलिस कर क्या रही है? श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।